एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे बज रहे हैं मॉर्निंग के, तो यहाँ पे बज रहे हैं मॉर्निंग के 11:30। तो आज हम निकल रहे हैं म्यूनिख के लिए। तो बस आज मतलब वहाँ रहेंगे, कल भी वहीं रहेंगे, हम फिर परसों आएंगे, एक दो दिन वहीं पे रहेंगे। तो बस रेडी हो गए हैं, हस्बैंड हो रहे हैं रेडी। हाँ जी, यक्षित फिर बात खींच रहा। तो यक्षित भी रेडी हो गया, अक्षत भी रेडी हो गया, मैं मिलवाती हूँ इनसे। स्माइल और नमस्ते नहीं करनी? अच्छा ठीक है, मत करो, ये कभी भी नहीं करता। कैसे हो? मते कैसे हो बोले आप? ठीक हो? ठीक हो? खाना खा लिया सबने। अच्छा चलो, रेडी हो गए आप? चलो ठीक है, नीचे देखो आपने क्या क्या फेंका है। बाय बाय। तो हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पे टिकट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेल्फ टिकट निकाल रहे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये हमारा, मैंने लगेज शिफ्ट कर दिया था इस वाले में, वो बहुत बड़ा था। और यहाँ पे सामान भरा पड़ा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम रेलवे स्टेशन में पहुँचे हैं। बस अभी हाफ एन आवर तक ट्रेन निकलेगी, तो बस हस्बैंड टिकट निकाल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं सफ़र में, तो बने रहिएगा वीडियो में। ओके, तो हमने जिस प्लेटफॉर्म से हमने ट्रेन लेनी थी, हम वहाँ पर बस पहुँच गए थे। तो हस्बैंड गए थे अभी नीचे, थोड़ा सा मतलब पार्किंग में गाड़ी लगानी थी, क्योंकि उनके भाई और भाभी भी आने थे, तो बस इसीलिए वो उनको लेने चले गए थे। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, तो अभी ट्रेन आई नहीं थी, ट्रेन को आने में अभी थोड़ा सा टाइम था। तो बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बच्चे प्रैम में बैठे हैं, तो बस इनको ना प्रैम पे ही मैंने बिठा दिया था, क्योंकि ये भागते हैं फिर तो ट्रेन का पता नहीं होता, बहुत फास्ट आ जाती है, तो इसीलिए ना इनका कोई भरोसा नहीं भाग जाए, इसीलिए मैंने इनको प्रैम में बिठा दिया था। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ हस्बैंड का वेट, बट वो अभी तक आए नहीं थे। तो बस अब ट्रेन भी चल पड़ी थी, तो बस सफ़र हो गया था स्टार्ट। तो यहाँ से बस अप्रॉक्स लगने थे अब 2 घंटे, तो बस 2 घंटे के बाद हम पहुँचने वाले थे। तो यहाँ पे देखिए, हम पहुँच भी गए थे म्यूनिख में, एंटर हो गए थे, बस रेलवे स्टेशन पहुँचने ही वाले थे हम। तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, बस अब हम जा रहे हैं मेट्रो के लिए। तो हमने वहां से लेनी थी मेट्रो। तो मेट्रो लेने के बाद, मतलब मेट्रो का सफ़र अप्रॉक्स था 15 से 20 मिनट का। उसके बाद हमें लेनी थी वहां से बस, अगेन 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस अभी हम जा रहे हैं मेट्रो के लिए। हम आ गए थे मेट्रो से बस स्टॉप पर, मतलब मेट्रो से यहाँ तक का सफ़र अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट का था। फिर अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का, तो बस यहाँ से लेके, यहाँ से मतलब हमें होटल पहुँचना था, वहाँ पे भी हमें पहुँचने के लिए अभी 20 से 25 मिनट लग जाएंगे अप्रॉक्स, हाफ एन आवर ही समझो, तो मतलब इतना टाइम लग जाएगा। तो हम अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो हम स्टॉप पे उतर गए थे बस यहाँ से, अब हम बाय वॉक जा रहे हैं। यहाँ से 5 से 10 मिनट का ही रास्ता था होटल तक का, तो बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाय वॉक। गांव है ना, सुंदर है। लगे
अच्छा चल आज रुक जा तो आराम से तो कर तो हम पहुंच गए हैं अपने होटल बस जा रहे रूम में तो अक्षर चला गया और यक्षिक है यहाँ है ना अक्षस अंदर है बेड पे चलना है ना ऐसा हमने सुनी है तो ये है हमारा रूम किंडर बेड दिया इन्होंने ना एक्स्ट्रा मैं किंडर बेड बेबी वाला बेड दिया एक्स्ट्रा तो ये है हमारा रूम मैं वाईफाई भी पूछ लो होना ना तो उनसे ले लेना वाईफाई बाथरूम अच्छा बाथरूम देखते हैं तो ये है बाथरूम बाथरूम भी अच्छा है ना तो चलिए ठीक है अभी हम होते हैं प्रश्ना तो उसके बाद देखते हैं क्या आगे का प्रोग्राम रहता है फिर देखते हैं आगे का कुछ डिनर विनर करते हैं डिनर करके करना अच्छा हमने तो जाना सकते हैं ना जाना ना हमने आधा पौना घंटा तो हम आधे पौने घंटा भी थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे हम समागम हॉल जो यहाँ से होगा मे बी 10-15 मिनट वॉक होगा या जैसे भी होगा देखते हैं तो चलिए ठीक है ओके हे एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल तो आज है नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग हो गई है तो यहाँ पे बज रहे मॉर्निंग के साथ तो मैं तो अपना नहा ली थी हस्बैंड चले गए अभी नहाने बच्चे सोए हैं तो बच्चों को भी दिखाती हूँ आपको वो अभी सोए हैं मिलवाऊंगी तो बाद में फिर से तो अभी वो सोए हैं तो अभी हमने बस ब्रेकफास्ट के लिए निकलना है तो बस हस्बैंड गए हैं अपना तो फिर बच्चों को मैं उठाती हूँ फिर जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए तो हम जैसे म्यूनिक आए ना तो म्यूनिक से ये बाहर है थोड़ा आउट मतलब थोड़ा सा सिटी से बाहर है तो यहाँ छोटे छोटे से गांव बने हैं बहुत ब्यूटीफुल एरिया है तो अगर मैं कैप्चर कर पाऊंगी तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगी बाहर का व्यू भी तो अभी मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको बाहर धूप भी लग गई है देखो मॉर्निंग हो गई है धूप लग गई है तो ये है और यहाँ पे बच्चे सोए हैं कैसे सोए हैं दोनों एक कैसे को सोया है एक उधर सोया है रात को अक्षर सोते सोते नीचे गिर गया इधर बेड पे तो मैंने फिर उठाया इसको तो से है तो हस्बैंड तो गए अभी नहाने तो बस हमने अब ब्रेकफास्ट के लिए निकलना है तो ब्रेकफास्ट से आके फिर देखते आगे का क्या रहता है फिर होते हैं रेडी तो उसके बाद जाना है हमने समागम हॉल तो मतलब समागम भी यहाँ से जो है 4-5 किलोमीटर है तो बस वहाँ जाएंगे फिर उसके बाद देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा रहता है तो वीडियो में बने रहेगा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ओके मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में बाय बाय तो हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे तो यहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 8:30 था तो हम 9:30 पहुँचे हम लेट हो गए थे थोड़ा क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा लेट ही उठे थे सो के और रात में काफ़ी लेट आए थे हम वापस तो इसलिए वापस मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई कोई वीडियो नहीं बना पाई थी तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए कुछ मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स इनको दे दिए थे क्रोसेंट दे दिया था और जूस दे दिया था और खुद के लिए भी बस ब्रेड बटर और थोड़ा सा सैलेड ये सब ले लिया था तो बस यहाँ पे अभी हम आए थे ब्रेकफास्ट करने तो बच्चे कर रहे हैं अपना इंजॉय ब्रेकफास्ट तो यक्षित को था कि मैं खुद से खाऊंगा किशमिश तो खुद से ही खा रहा है इसको होता है किशमिश खुद ही खाऊंगा घर पे भी ऐसे ही करता है तो खिलाने नहीं देता अब थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ा हो रहा है तो खुद से ही खाता है हाँ तो हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं सोचा आपको दिखाती हूँ कॉफ़ी बना रहे हैं हस्बैंड इसमें शहद डाल देना ना तो यहाँ का ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेड ये केजे रखे हैं ये ऊपर नॉनवेज है ना
है ना। ये ऊपर नॉनवेज है, फ्रूट्स ख़त्म हो गया एक्चुअली में सारा खाना, सैलेड हमने खा लिया, फ्रूट्स रखे हैं यहाँ पे, रखी है मूसली रखी है, और यहाँ पे सारी जैम्स और जो भी स्वीट्स उसमें ब्रेड में लगाने के लिए वो रखे हैं यहाँ पे, ये है सब कुछ ख़त्म हो गया, हमने सारा खा लिया। तो ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो ये ब्रेकफास्ट था, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, बच्चे चले गए अभी रूम पे, तो हम आए थे कॉफ़ी पीने, तो बस कॉफ़ी पी रहे, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। मैंने सोचा चलो एंड में मैं क्लिप आपसे शेयर कर देती हूँ यहाँ का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ का तो वैसे ही इनका इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही था, हमारी तरह नहीं जैसे हम खाते हैं यम्मी यम्मी पराठे, वो ब्रेकफास्ट लगा था तो ख़त्म हो गया। ये है सिटिंग एरिया ब्रेकफास्ट का, तो ख़त्म हो गया अब सब। ये है डाइनिंग एरिया, तो बस हो गया ब्रेकफास्ट, हम पी रहे कॉफ़ी, बस उसके बाद हमने रेडी होना है समागम हॉल जाने के लिए। तो हस्बैंड बैठे हैं, कैसी है कॉफ़ी? बढ़िया बढ़िया है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अब आपसे सीधा रेडी होके। ओके रेडी, बस अभी निकलने वाले हैं, तो बच्चे अभी रेडी है, तो वो थोड़ा बाहर घूम रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो हस्बैंड भी रेडी है, तो हम बैठे हैं, बस अभी हम निकलने वाले हैं होटल से। तो यहाँ आया हस्बैंड, इधर देखो। यहाँ पे बज रहे हैं दिन के एक, तो बाहर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 30-31 डिग्री टेम्परेचर है शायद, है ना, इतने है? अंदर का है कि बाहर का है? अंदर का 30-31 है, तो बाहर का सोचो कितना होगा, बाहर का भी होगा ही ठीक ठाक, तो बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए ठीक है, निकलते हैं अब, तो मिलते हैं फिर आपसे फिर बाद में, तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ओके, तो हम आज निकल रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, तो आज देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। हाँ जी, जूस ख़त्म हो गया है वैसे आने वाला है, ब्रेड है, सैलेड, केजे, और यहाँ पे आगे मूसली, योगर्ट, दही, यक्षित आ गया, फ्रूट रखे हैं, एग रखे हैं बॉईल करके। अरे मैंने एग 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 दिया बेटू, नहीं 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 गिर जाएगा, यक्षित ले मम्मा पिलाती, अक्षर टूट जानी बेटू प्लेट, छोटी है, इधर इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ जा, दोनों बैठे हैं कॉफी बना रहे, इधर आ जा। तो चलिए ठीक है, करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, तो हमने बस लेके हम पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन, बस यहाँ पे हम कर रहे हैं मेट्रो का वेट, तो बस यहाँ से लेंगे मेट्रो, हम मेन स्टेशन के लिए, मतलब यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाएंगे मेन स्टेशन पर, फिर वहाँ से ट्रेन लेंगे डायरेक्ट अपने घर के लिए। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, तो बस ट्रेन आई नहीं थी, तो हस्बैंड गए हैं अभी टिकट लेने के लिए, तो हमने ट्रेन पकड़ ली थी यहाँ पर, तो बस अब ट्रेन चलने वाली थी सीधा डायरेक्ट घर के लिए, तो डायरेक्ट ट्रेन ली थी, तो बस हमने यहाँ पे बच्चों का जो है कैबिन ले लिया था, तो बच्चों के कैबिन में बैठे थे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बिजी रहेंगे अपना खेलते रहेंगे, तो बस ये बैठे हैं, तो बस खा ले खा ले खा ले घर। तो मैं इस ब्लॉग को भी कर रही हूँ यहीं पर, एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में बहुत जल्द, अपने के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।